आर पार की लड़ाई हम कुछ कुछ भी कर सके आर पार की। रेल भी रोकेंगे, रेल भी रोकेंगे, रोड भी रोकेंगे। अच्छा जी, और आप देख रहे हैं इसमें ग्राउंड मीडिया। और इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी, मैंने रमेश दलाल से बात की थी, जो जींद से जो रोहतक का जो रोड है इसके ऊपर जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ, तो पूछते हैं एक बार जो गांव के लोग अलग अलग ट्रैक्टरों लिए जो आ रहे हैं, एक बार इनसे बातचीत करके कौन कौन से गांव का है। भाई साहब कहाँ से हो? जी मैं गांव लिजवाणा खुरद का निवासी हूँ। अच्छा, हमारा जो NH भारतमाला के तहत 152 का रोड में आ रही है, इसमें धरने पर बैठे हमें 82 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आश्वासन दिया गया था कई बार मीटिंग या परिवहन मंत्री और सभी नुमाइंदा के साथ मीटिंग होने के बाद ये आश्वासन दिया गया था वे मुआवजा उचित दर मार्केट रेट पर तय की जाएगी, लेकिन मार्केट रेट का न देकर हमें एक चॉकलेट देकर बकाने वाली बात जो इन्होंने सरकार ने की है वो हमें मंजूर नहीं है। तो आप डेली यहाँ पर आते हैं एक बार जितने तो 82 दिन जो हो चुके हैं डेली आते हो? नहीं, हम डेली आते हैं और एक नहीं कम से कम भी 50-40 इंसान हमारे गाँव से आते हैं, और आगे के लिए भी हमारी जो रणनीति होगी हम किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं और किसी भी टाइम तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, चलिए। तो यहाँ जो काकी ताई जो बैठी हैं ये भी साथ में, हमें आपके साथ में आते हैं, तो आइए। ताई राम राम। ठीक हो? क्या करना रहे थे आज? आज धरना मारे थे उस खातिर। क्या खातिर है? रोड के बारे में। अच्छा, हाँ रोड के बारे में। रोड बनवाना है? बनवाना क्यों, पीछे लेने हैं, बना तो सरकार की पीछे दे नहीं रही सरकार ना, कौन दे रही, थोड़ी दे रही है जमा। अच्छा, फिर थोड़ा में काम नहीं चलता? ना कोई नहीं चलता, बाल गाल बखेंगे आगे होंगे नुकेंगे बेच कर खागे बड्डे तुम्हारी खातर के रहे। अच्छा, अब दूसरी ताई से बात कर लेते हैं। हाँ ताई जी, राम राम। ठीक हो? हाँ। अच्छा, क्या करना रही थी इतनी दोपहरी में? सारा दिन हो गया, थोड़ा दिन जमीन के बारे में मारे, जमीन काट दिया, रोड काट दिया था, खावांगे के। अच्छा, हाँ सरकार जितने पीछे दे उसमें काम नहीं चलता? कौन चलता, एक बेटा आदमी नहीं, सर पे कमाणिया नहीं, कोई और नहीं। अच्छा, नौकरी ठहरी नहीं तो करांगे जमीन सरकार खोज लेगी, करांगे के। फिर इतने दिन बैठे बैठे हो गए, इतने काम छोड़ गए लग रहे 80-85 दिन होंगे, घर का काम कौन संभाला है? घर का काम कोई संभालो, वारी सवेरी जाके करा। अच्छा, और डेली आओ यहाँ पर? और डेली आता ही। आप भी डेली आओ? हाँ डेली आओ। घर का काम न रहे? घर का काम पड़ा रहा, काम न कौन सा, सारे ठेके थोड़े ठा रखे हैं। यो हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? आप कहाँ से हो? बैरू खड़ा से आ रहे हो? बैरू खड़ा। अच्छा, फिर इतनी दोपहर में क्या करना रहे हो रोड पर? भाई मुआवजा मुआवजा बनवाना रहा भाई। अच्छा, हाँ जी, जमीन घोषण लाग रही है सरकार है, पिसा भी दे दो इसके बदले में 1 करोड़ रुपए ले भाई, किले के भाई साहब 1 करोड़। हां, कितना दे रही है ये भाई साहब? 48 लाख रुपए दे रही है। 48 लाख हाँ। दे रही है तो मतलब 1 करोड़ क्यों? 48 लाख में नहीं संतुष्ट है भाई साहब, मारे के किला भाई और रोड में आ गया, के खावा के कमा कुकर बाल पाले भाई गम। अच्छा, चलो हमने नौकरी दे दे सरकार, जब भी हमारा गुजारा हो जा, ये किला भी और रोड में चलेगा, पाइपलाइन दाब के लड़े के दूसरे का मामत है, ये रद्द होगी हमारी पाइपलाइन भी, 10-10 लाख खर्चा करे। हां तो दिल्ली आओ जी आप। दिल्ली आ जाऊंगा। अच्छा हां, चलो बढ़िया जी। एक पीछे ताऊ और ट्रेल में बैठा है, उससे भी एक बार क्या करना रहे इतनी गर्मी में? धरना मार रहे थे भाई। धरना सरकार मानने की लागे कुछ मानने की? मानने की क्यों नहीं, हम पर्ची भी नहीं, दूसरी सरकार लेके ले लेंगे, यूं नहीं देगा तो हमारा बटन दबा है खो देंगे। अच्छा हाँ, इसका जना मानी दो आर पार की लड़ाई हम कुछ भी कर सके आर पार की। रेल भी रोकेंगे, रेल भी रोकेंगे, रोड भी रोकेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, मन कटन तैयार है सरकार नहीं मानेगा, हम उठा नहीं गए। अच्छा हाँ, तो मनवा के मानोगे? बिल्कुल मनवाओगे। कितने रुपये चाहिए आपने भी तो? जैसे 48 लाख करोड़, 1.5 करोड़ तो कम से कम चाहिए। अच्छा जी, हाँ तो कितनी जमीन का? 1 किला का। 1 किला का। चलिए, अभी जैसे हमने जैसे रमेश दलाल से बातचीत की थी, और ये हैं किसान, कोई बैरूखेड़ा से, कोई लिजवाड़ा से, जहाँ को रोड निकल रहा है, तो यहाँ पर जो रोहतक से जो जींद का जो रोड है यहाँ जुलाना के पास में जो किसान एकत्रित हुए हैं, इनकी एक ही मांग है 48 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपया सरकार से मांग रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। तब तक ग्राउंड मीडिया के लिए जुलाना से मैं जय भारद्वाज।